हेलो कैप्रिकॉन्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं आपकी वीकली लव रीडिंग फ्रॉम डिसम्बर 14th टू डिसम्बर 20th। लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ दिस वीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन्स। सो कैप्रिकॉन्स, सबसे पहले कार्ड जो आपके लिए आया है वो है डिस्पेयर का कार्ड। सो डिस्पेयर कार्ड जो है, इट इंडिकेट्स कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी पर्सन को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके। आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हैं, आप बहुत परेशान हैं बहुत टाइम से। मे बी आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपके बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आप वैसे ही बहुत परेशान हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी पर्सन की एंट्री नहीं हो रही है, कुछ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपको हर तरफ से आप होपलेस फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं इन मैटर्स ऑफ लव लाइफ रिलेशनशिप। या आपके पार्टनर हो सकता है ऐसा फील करें कि आपका रिलेशनशिप अभी उस इतने हैप्पी हेल्दी फेज से गुजर नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी कंटेंट फील करें अपने रिलेशनशिप वाइज। बट द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज़ द फूल कार्ड, विच इज़ सो पॉजिटिव कार्ड। सबसे पहले तो कैप्रिकॉन्स, आई एडवाइज़ यू कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा लड़ाई वाले रिलेशनशिप में हैं, या आपके बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आई एडवाइज़ यू कि आप उन्हें शायद इस वीक उस हर नेगेटिव एनर्जी से निकल के, कुछ जो भी इश्यूज हैं, आप उस हर इशू से निकल के आप अपनी इस पॉजिटिव इंडिविजुअल हैप्पी एनर्जीज में आने वाले हैं, आप और आपके पार्टनर। कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसा हो सकता है कि अगर वो किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या ऐसे पर्सन से यू वर डीलिंग कि जो आपको खुश नहीं रख पा रहा था और आप बहुत टाइम से स्टक थे, तो आप इस वीक में भी अपने आप को उस हर चीज़ से फ्री करके आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग ले रहे हैं इस वीक। आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं। आप सब कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव एक वाइब्स आपके अंदर से आ रही है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा था, तो मे बी इस वीक एक बहुत होप है कि अब आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ आए, आपको कोई न्यू लव ऑफर दे, आपको एक रोज़ दे, आपके साथ सब कुछ पीसफुल चाहे, आपके साथ सब कुछ हैप्पी और कंटेंट वो चाहते हैं। बट मैनी ऑफ यू आई सी कि आप अपनी लाइफ में इस वीक आप मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप उस बैड नेगेटिव एनर्जी से निकल के आप इस हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में आ रहे हो। मे बी जो इश्यूज बहुत टाइम से चल रहे थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो इस वीक सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आप ओवरऑल बहुत ही जॉय, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही कंटेंट फील कर रहे हो। जो सिंगल्स हैं, मे बी उनकी लाइफ में इस वीक एक बहुत ही लव, एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा लव ऑफर आ सकता है, बिकॉज इट्स ऑल येलो, चारों तरफ येलो इज सो पॉजिटिव एनर्जी। आप इस डिप्रेस फेज से निकल के आप एक बहुत ही पॉजिटिव फेज में आ रहे हो इस वीक। अब देखते हैं कि आपका थर्ड कार्ड जो है वो क्या है। इट इज़ हार्ट चक्रा फॉरगिवनेस। आपके लिए कार्ड भी आया है फॉरगिवनेस का, जहाँ पे लिखा है आई फॉरगिव। तो इट इंडिकेट्स कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो इट इंडिकेट्स कि आप प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कीजिए और जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और अपनी हैप्पी एनर्जीज में आइए। अगर कुछ लोगों ने आपको पास में हर्ट किया है, तो उन सबको फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लीजिए, न्यू स्टार्टिंग लीजिए। या अगर आप अपने आप से नाराज़ हैं किसी बात को लेके, किसी इशू को लेके, आप खुद को किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को भी माफ़ कीजिए, दूसरों को भी माफ़ कीजिए। और कब तक आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, इस चीज़ से निकल के अपनी एक बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी में आइए, खुद को माफ़ कीजिए। और हार्ट चक्र का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस वीक आपकी, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो वो जैसे कि आप बहुत परेशान थे इस रिलेशनशिप को लेके, एंड कैप्रिकॉन्स, आप इस वीक बहुत ही आपका आप या आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन भी करने वाले हैं इस वीक। अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस वीक फॉर द लव लाइफ कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी योर लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट वीक। Capricorn love life for the next week. What we have? 14 December to 20th December. Capricorn love life. Okay, we have prosperity. A prosperous business with riches and success. So, हो सकता है कैप्रिकॉन्स की इस वीक आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली हो इन दी मैटर्स ऑफ योर करियर वाइज, या ओवरऑल आपको रिलेशनशिप में एक प्रॉस्पेरिटी मिल रही हो, बिकॉज आप अपनी डिप्रेस्ड एनर्जी से निकल के
इस वीक आप एक हैप्पी एनर्जीज में आ रहे हो, तो मे बी आपका रिलेशनशिप इस वीक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है. सो आई सी वेरी हैप्पीनेस फॉर यू दिस वीक कैप्रिकॉन्स. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.